क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन से नौकरियों पर खतरा है? अगर ऐसा है तो अमेरिका, चीन और भारत समेत दुनिया भर की सरकारें इसे बढ़ावा क्यों दे रही हैं? सच्चाई ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियों के लिए एक बड़ा अवसर है। इसे भुनाने की तैयारी पूरी दुनिया कर रही है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, कैसे काम करता है और यूथ इस सेक्टर में अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं। मशीन और इंसान में क्या फर्क है, जरा सोचिए। दिमाग का, इंटेलिजेंस का मतलब कि अगर आप किसी भी मशीन से ये उम्मीद करें कि वो अपने आप बिना डायरेक्शन दिए हुए कोई नया काम करने लगे तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इंसान का दिमाग अपनी ज़रूरतों और कंडीशन के हिसाब से किसी काम को पूरा करता है। अब दुनिया भर के साइंटिस्ट, इंजीनियर इसी जुगाड़ में जुटे हैं कि कैसे आदमी के दिमाग की तरह काम करने वाला सिस्टम तैयार किया जा सके। इसमें कुछ हद तक सफलता भी हासिल की जा चुकी है, जैसे एप्पल की सीरी, गूगल असिस्टेंट और अमेजोन की अलेक्सा, जो आपके दिए हुए काम का अपने इंटेलिजेंस के आधार पर जवाब दे देते हैं, कुछ हद तक एक इंसान के दिमाग की तरह काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम 1997 में शतरंज के महान खिलाड़ियों में से एक रहे गैरी कास्परोव को हरा चुका है। हाल ही में आपने कुंड पर इन मोहतरमा को जरूर देखा होगा। ये है रोबोट रश्मि, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर जवाब देती है, साथ ही आपके चेहरे को भी पहचान सकती है। मतलब एक इंटेलिजेंट मशीन तैयार करना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत क्यों है, इसे समझते हैं। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इसकी जरूरत है। ये तो हो गई ऊपरी बातें, गोलमोल बातें। काम की बात यह है कि हर साल फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में मशीनें इंसान की जगह लेती जा रही हैं। पिछले साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अपने देश में आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले करीब 40 लाख लोगों में से 7-10% की नौकरी एआई और ऑटोमेशन की वजह से जा सकती है। लेकिन अगर आपने सही समय में खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से अपडेट कर लिया है तो ये आपके लिए वरदान भी बन सकता है। जिन सेक्टर पर रोबोटिक सिस्टम और मशीन लर्निंग का ज्यादा असर होगा, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, उनमें आईटी और फॉरेस्ट्री शामिल है। इन सेक्टर में ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो एआई समझते हों और काम कर सके। फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी इस सेक्टर में निवेश कर रही हैं और आगे भी करने को तैयार हैं। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूथ के लिए सबसे बेहतर करियर ऑप्शन बन सकता है। अब आप इस फील्ड में आएंगे कैसे, ये समझते हैं। अगर आपने 12वीं में मैथ साइंस की पढ़ाई की हो तो आप आगे के लिए एआई को भविष्य के तौर पर अपना सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हुआ, एआई में मास्टर्स कर सकते हैं। आईआईटी हैदराबाद इसी साल एआई में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। ये एआई में पहला बीटेक कोर्स होगा। यहाँ एमटेक में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई जैसे कोर्स पहले से ही चल रहे हैं। अब ये नया बीटेक वाला प्रोग्राम भी आ गया है। इसी तरह दूसरे आईआईटीज भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की तैयारी में है। आईआईटी मद्रास, रुड़की और रोपर में कोर्स कराए जा रहे हैं या कराए जाने वाले हैं। मतलब करियर साफ दिख रहा है। अपने करियर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईंधन भरिए और उड़ान के लिए तैयार हो जाइए।